हेलो स्टूडेंट्स, आइसोमेरिज्म वीडियो सीरीज के इस 11th एपिसोड में मैं राजीव शर्मा कंफर्मेशन एनालिसिस को आगे डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट एपिसोड में मैंने इथेन के कंफर्मेशन एनालिसिस डिस्कस किए थे और इस वीडियो में मैं प्रोपेन और ब्यूटेन के कंफर्मेशन एनालिसिस डिस्कस करूंगा और उसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली प्रोपेन और ब्यूटेन के डिफरेंट कंफर्मेशन एनालिसिस हो सकते हैं या डिफरेंट कंफर्मर्स बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं किस तरह से प्रोपेन और ब्यूटेन के कंफर्मर्स बनते हैं। तो जिस तरह से हमने इथेन के डिटेल में कंफर्मर्स देखे, वैसे ही हम प्रोपेन के या ब्यूटेन के भी बना सकते हैं। तो अब मैं प्रोपेन और ब्यूटेन के जस्ट कंफर्मर्स बना करके आपको बता रहा हूं कि किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो ये हैं तीन कंफर्मर्स जो प्रोपेन के बनेंगे। अब इसमें स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म को हम 3D मॉडलिंग में देखते हैं किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो हो जाएगा, दिस इज एक्लिप्स फॉर्म ऑफ प्रोपेन। अब हम क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड के थ्रू रोटेशन देख रहे हैं, तो कोई भी दो कार्बन एटम के बीच में देखेंगे, चाहे ऐसे देख लें चाहे ऐसे देख लें, तो किसी भी दो कार्बन एटम के बीच में देखेंगे तो एक क्या हो जाएगा, CH3 हमारे पास सब ग्रुप दिखाई देगा हमें, और बाकी के जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से हो जाएंगे। तो दिस इज अ स्टैगर्ड फॉर्म, तो ये इसका एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म को हम देख सकते हैं। तो अब हम इसमें भी देखें तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो सबसे कम जो स्टेबल होगा वो एक्लिप्स फॉर्म होगा, उससे ज्यादा स्टेबल जो होगा स्क्यू फॉर्म होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि स्टैगर्ड फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो जाएगी, क्योंकि मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो और जो एक्लिप्स फॉर्म है उसमें मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, उसमें बेसिकली हमारे को रिपल्शन ज्यादा होंगी, तो इसलिए वो अनस्टेबल ज्यादा होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ब्यूटेन में किस तरह से हम देख सकते हैं। तो जिस तरह से हमने इथेन के कंफर्मर्स बनाए थे, यदि उसमें हम दो हाइड्रोजन जो है एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे उनको रिप्लेस कर दें तो वो ब्यूटेन के कंफर्मर्स बन जाएंगे। तो हम देखते हैं ब्यूटेन के कंफर्मर्स क्या हैं। तो इस तरह से हमारे पास 5 कंफर्मर्स बन जाएंगे इसके, फुली स्टैगर्ड, जब दोनों मिथाइल ग्रुप्स जो है 180 डिग्रीज पे होंगे एक दूसरे से इस स्ट्रक्चर में, जैसे हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाया है, तो उसको हम फुली स्टैगर्ड कहेंगे। जब जो एंगल जो हो जाएगा दो मिथाइल ग्रुप्स के बीच में 60 डिग्रीज का रह जाएगा, तो हम उसे कहेंगे कि दैट इज पार्शियली स्टैगर्ड। हमारे पास जो हो जाएगा, जो ये फॉर्म आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे गॉश। इसमें बेसिकली एंगल 60 डिग्री से कम होगा, तो वो ना वो इक्लिप्स है ना वो स्टैगर्ड है, तो इसको हम गॉश फॉर्म कहेंगे। फिर पार्शियली इक्लिप्स हो जाएगा और उसके बाद फुली एक्लिप्स हो जाएगा। तो इस तरह से 5 फॉर्म हो जाएंगे। अब इसमें जो है सबसे कम स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो फुली एक्लिप्स फॉर्म की होगी, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप बहुत क्लोज आ गए हैं, तो उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल जो हो जाएगा स्टैगर्ड फॉर्म हो जाएगा, फुली स्टैगर्ड। तो सबसे जो स्टेबिलिटी हो जाएगी, फर्स्ट इसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, सेकेंड ये है, थर्ड गॉश फॉर्म हो जाएगा, फोर्थ जो हो जाएगा एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, एंड फिफ्थ इज बेसिकली फुली इक्लिप्स्ड। तो इस तरह से बेसिकली इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। और मेरा जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है इसका, उसमें मैं बेसिकली साइक्लो अल्केन्स की कन्फर्मर्स डिस्कस करूंगा, और उसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि किस तरह से बायस स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से हम उसको स्ट्रेन कैलकुलेट करके किस तरह से हम उसको करते हैं। कहीं आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे, मेरे चैनल पे यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना और नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करना है। और यदि आप मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, असाइनमेंट्स ढूंढ रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट ढूंढ रहे हैं, और नोट्स ढूंढ रहे हैं, और कोई भी मटेरियल MCQ ढूंढ रहे हैं, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक है, उस फर्स्ट लिंक को क्लिक करो और फॉलो करो, और उसमें टोटल मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, इस पे नीचे कमेंट करना मत भूलना और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।